सभी को सब्सक्राइब मिलवा जो सुरेंद्र सिंह की तरफ से। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सागू डायरी फार्म पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक बार फिर से बहुत दिनों के बाद HLDB का एक बहुत अच्छा बुल दिखाने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद जो अपना मेन मकसद है कि HLDB के बुल ही है, वो उनको दिखा रहे हैं आपको एक बार फिर से। बहुत अच्छा बुल है ये, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के बटन को भी दबा लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। जो भी हम HLDB के बुलों से रिलेटेड या अन्य लेके आए, सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। आइए वीडियो शुरू करते। ये बुल है जी HLDB सार का, यंग बुल है काफ़ी, M488 नंबर का बुल है और यंग बुल है। इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बता देता हूँ। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है बुल की, वो है 4 जनवरी 2016 और इसका जो बाप है वो है PC 77 गुड़गांव का, और जो ये इसकी माँ का बेटा है वो चौथे ब्यांत का है, यानी चौथे फोर्थ लैक्ट्रेशन का बच्चा ये इसकी माँ का। और उस टाइम इसकी माँ का पूरे लैक्ट्रेशन का दूध 4513 kg बना था, लगभग 22.5 किलो पीक पे दिया था उसने। और कई बार ये कहते हैं कि भाई HLDB 200 दिन से कर लेती है, उस हिसाब से रिकॉर्ड बनाती, तो ऐसा नहीं है भाइयों, पूरे लैक्ट्रेशन का रिकॉर्ड किया जाता है वहाँ पे और उसी के हिसाब से यहाँ पे बनाया जाता है। और जो इसका बाप है PC 77, उसके बारे में बता देता हूँ, काफ़ी अच्छा बुल है। इसकी फ़ोटो भी आपको भी दिखाई दे रही है। इसका पूरा नंबर है गुड़गांव PC 77 और डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 2010 और मदर का नंबर है 4147 और बाप है उसका H613। और जो H613 उसके बारे में बता देता हूँ मैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 2000 और माँ का दूध है 3920, वो भी गुड़गांव का ही बुल था। काफ़ी अच्छी पेडिग्री है बुल की। और जो इसका जन्म था वो HLDB के मदर फार्म में हुआ था। ये फार्म का तैयार किया हुआ बुल है, M488 नंबर है इसका पूरा। और जो इसकी माँ है वो भी फार्म की ही भैंस है, भी है फार्म पे। अच्छा बुल है काफ़ी देखने में भी। आप देखिए जो इसकी बनावट है सिंगों की, और जो और भी मतलब पूरा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा डरा हुआ ज़रूर है लेकिन काफ़ी अच्छा बुल है, यंग बुल है और बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। लगभग 3 साल से तो ऊपर हो गया है लेकिन अभी भी वेट होगा, बॉडी और भी वजनदार होगी और रिजल्ट भी इसके जैसा रिकॉर्ड है इसका, इतनी पेडिग्री का अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा किसान भाइयों को। और जो इसका दादा था यानी H613, उसके भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं, वो गुड़गांव का बुल था। और जो इसका बाप है PC 77, वो है अभी गुड़गांव में है, वो HLDB के फार्म में अच्छा बुल है। उसके भी रिजल्ट आपको मैंने समय समय पर दिखाए हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और उसके कई बुल भी है, उनके भी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। जो उसके बच्चे आए हैं वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं, जो PC 77 की बेटियों का ऑर्डर आया है वो भी काफ़ी शानदार है। मैंने उसकी जोटियों की वीडियो भी आपको दिखाई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं आप चैनल पर जाके, और अच्छी अच्छी आपको डिटेल मिलेगी। और भी काफ़ी अच्छा बुल है HLDB का और इनके जो रिज़ल्ट है वो भी काफ़ी अच्छे आते हैं। और जो मेन बात है, सिमन है जो इनका, लगभग गांव के सरकारी हॉस्पिटल है ना जो, वहाँ सप्लाई में HLDB का ही सिमन आता है हरियाणा में लगभग, और 30 रुपये में AI की जाती है भैंस की। सस्ते भी है और अच्छे भी बुल है। देखिए आप इनके जो समय समय पर इनकी जाँच पड़ताल की जाती है, इनकी टेस्ट किए जाते हैं, उनमें पास होने के बाद इनको यहाँ पे ब्रीडिंग बुल बनाया जाता है। काफ़ी अच्छे बुल हैं। कई भाई कहते हैं भाई कि पीछे वो बुल बढ़िया था, वो बुल बढ़िया था, उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो जो आपके सामने अभी है, आप उसके सिमन को यूज़ करके देखिए एक बार अपने एनिमल पे, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और भविष्य में ऐसे बुल ही कारगर साबित होंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा सरकारी हॉस्पिटलों में कृत्रिम गर्भाधान के लिए भेजे जाते हैं सिमन, उसमें इन्हीं के बुलों के भेजे जाते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आगे जाके इनके। सस्ते सिमन है और बताना भाई कमेंट करके कैसी लगी वीडियो आज की आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का।